हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जन्माष्टमी के लिए बास्केट से झूला बनाना सीखेंगे। यह इस तरह का झूला बहुत जल्दी बन जाता है और बास्केट तो सभी के घर में अवेलेबल होती है। इसमें ग्लू लगा दी है और इसको फैब्रिक से कवर करेंगे। फैब्रिक इतना लेना है जो अंदर की तरफ भी कवर कर ले और जो एकदम नीचे की साइड है बॉटम की, बॉटम में भी थोड़ा सा हाफ इंच अच्छी तरह से स्टिक हो सके। इसके साइड्स में ग्लू लगानी है और पूरी बास्केट को कवर कर देंगे। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। अंदर की तरफ भी ग्लू लगा देंगे और फैब्रिक को अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे और नीचे की तरफ ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया था उसको भी अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे फोम के पीस लिए हैं, डबल पीस, इसको भी फैब्रिक से कवर कर लेंगे। इसके पहले भी मैंने अलग अलग तरह के झूले बनाए हैं जिनका ट्यूटोरियल चैनल पे है, वीडियो चैनल पे आप जिसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। अंदर की तरफ इसको फिक्स कर देंगे ग्लू लगाने के बाद में। और इसमें ये बड़ी वाली निडल ली है, इसके हिसाब से गोटे को इसके अंदर से डाल देंगे। चाहें तो आप दूसरी छोटी वाली सुई से भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल थे तो होल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके चारों कॉर्नर में इसी तरह से गोटे वाली लेस को बांध देंगे। दो से तीन नॉट करके बांध रही हूँ और चारों लेसेस का साइज़ सेम लेना है, अलग अलग नहीं लेंगे, नहीं तो वो फिर बैलेंस नहीं बनेगा उसका सही से। ये इस तरह से चारों का साइज़ सेम लिया है। अब इसको बांध देंगे। इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया है अंदर साइड में, जिससे ये बांधने में ईजी रहेगा और एक सा बंधेगा, छोटा बड़ा नहीं रहेगा। इसको बांध दिया है, देखिए झुलाने में इजी रहेगा। अब इसमें लेस से इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे झालर वाली लेस लगा रही हूँ। पूरे राउंड में इसी तरह से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ में स्टोन वाली लेस को स्टिक कर देंगे। आप मेरे चैनल पर कृष्णा जी के लिए अलग अलग तरह के बैट देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के बैट, बास्केट बनाए हैं, झूले, मटकी डेकोरेशन, बांसुरी, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो जन्माष्टमी में आप बना सकते हैं। अब इसके किनारे में फ्लावर्स को स्टिक कर देंगे। ये येलो वाले फ्लावर्स लिए हैं, रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। पूरे बास्केट में तीनों तरफ से इसको फ्लावर्स को स्टिक करेंगे, डेकोरेट करना है। ग्लू को अच्छी तरह से लगाएंगे, नहीं तो फ्लावर निकल जाते हैं बाद में। दूसरी तरफ में भी इसी तरह से पूरे फ्लावर्स को स्टिक कर देंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप बास्केट बड़ी वाली ले सकते हैं। अभी छोटे वाले पोलेंस लिए हैं, ये भी फ्लावर्स जैसे ही रहते हैं। इनको लगाने से बहुत सुंदर लुक आता है। ग्लू लगाते हुए इनको अच्छी तरह से स्टिक करते जाएंगे। इस तरह से ये झूला बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। अब बैक साइड में ये बड़े वाले फ्लावर लिए हैं, इसमें तीन फ्लावर्स को स्टिक कर रही हूँ, इससे देखने में और सुंदर लगेगा। इस तरह से ये फूलों की बास्केट, फूलों का झूला तैयार है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी या कृष्णा जी के लिए जन्माष्टमी में इस तरह का झूला ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है, कृष्णा जी को बिठा के भी दिखाऊंगी। देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। के लिए जन्माष्टमी के लिए बास्केट से झूला बनाना सीखेंगे। ये छोटा वाला बास्केट लिया है, इसमें बाहर की तरफ ग्लू लगाना है और इसको फैब्रिक से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ये बहुत ही कम समय में बन जाती है। ये बास्केट सभी के घर में अवेलेबल होती है, या फिर ना भी हो तो आप मार्केट से नई वाली बास्केट ले सकते हैं। इस तरह का झूला बहुत सुंदर लगता है, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, जहाँ आप डेकोरेशन कर रहे हैं, जहाँ आप पूजा कर रहे हैं। इसको पूरा राउंड करते हुए अच्छी तरह से स्टिक करेंगे। नीचे जो सिलवटें आ रही हैं उसको एक सा करते रहेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। इस तरह से खींचते हुए स्टिक करना है एकदम बॉटम में। फैब्रिक को ऐसा लेना है कि अंदर की तरफ भी कवर हो जाए और बाहर की तरफ भी। अंदर की तरफ में ग्लू लगा देंगे और फैब्रिक को अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। ये पूरी तरह से स्टिक कर दिया है। इसके पहले मैंने कृष्णा जी के लिए बहुत अलग अलग डिज़ाइन के झूले बनाए हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं उनको कैसे बनाना है।
ये फोम का पीस लिया है, अब इसको फैब्रिक से कवर करना है। फोम का पीस थोड़ा सा छोटा ही लेंगे, बास्केट जितनी बड़ी है उससे थोड़े छोटे साइज़ का लेना है ताकि ये अंदर की तरफ फिक्स हो जाए। ग्लू को अच्छी तरह से लगाएंगे और उसके बाद में फैब्रिक को स्टिक कर देंगे। यहाँ पे फोम के छोटे वाले पीसेस लिए हैं, अब अच्छी तरह से फोम में ग्लू लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फिक्स कर देंगे, स्टिक कर देंगे और किनारे में भी ग्लू लगाने हैं। देखिए ये तीन होल बनाए हैं मैंने, बास्केट में होल थे पर ऊपर की तरफ नहीं थे, बाद में मैंने इसमें तीन होल बनाए हैं। बैक में एक बनाना है और सामने की तरफ में दो बनाने हैं। यहाँ पे ये डोरी ली है, ये मोटी वाली डोरी ली है, अब इसको बांध लेंगे, इसमें दो से तीन नॉट बांध देंगे, तीनों होल में इसी तरह से डोरी बांध देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस जगह से। आप इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़े रह सकते हैं और अलग अलग तरह के वीडियो आएंगे अभी जन्माष्टमी तक, उसके बाद भी आएंगे। अब ये देखिए इसको एक सा कर लेंगे, डोरियों को मिलाते हुए इकट्ठा बांधना है। उसके पहले वेट रख देंगे इसमें ताकि इसका बैलेंस सही रहे और उसके बाद में इसको बांध देना है। तो इसको बांध दिया है और इसके बाद में इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे और लेस को स्टिक कर देंगे। आप लड्डू गोपाल जी के लिए और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसको पूरे राउंड में स्टिक कर देना है लेस को, बहुत जल्दी बन जाता है ये झूला। अब अंदर की तरफ में ये गोल्डन वाले मोती लिए हैं, ये हाफ पल्स आते हैं छोटे वाले, उनको स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह गोल्डन कुंदन को भी यूज़ कर सकते हैं स्टिक करने के लिए। बाहर की तरफ भी सेम यही मोती लगा देंगे। जिससे ये लगाने के बाद में बहुत सुंदर लगता है झूला। अंदर की तरफ में जो डोरी है उसके ऊपर में ये बड़े वाले फ्लावर्स को स्टिक कर देंगे ग्लू लगा के। इस तरह से झूला बन गया है, ये दो पिलो रख देंगे। इस तरह से झूला बन के तैयार है और जब कृष्णा जी को झुलाएंगे तो ये इस तरह से झूलेगा। आपको कैसा लगा ये झूला मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस जन्माष्टमी में आप ज़रूर बनाइए इस तरह का झूला अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कृष्णा जी के लिए। थैंक यू, बाय।